हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CTET एंड TET इस प्रिपरेशन में। और आज जो एग्ज़ाम हुआ है CTET का, उसमें पेपर वन के VS के आंसर को मैं बताने जा रही हूँ। इसमें लगभग सारे आंसर मैं सही बताऊँगी। हाँ, एक दो जब ऑफिशियल आंसर की आएगा तो इधर उधर हो सकता है, उसकी मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, लेकिन लगभग क्वेश्चन मैं सही बताऊँगी। और जितने भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए थे सब उसी से आए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए हैं। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो कोयला जो है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, बाकी डीजल, मोम, ग्रीस और जितने भी डीजल होते हैं, पेट्रोल होते हैं और किरोशन तेल जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, मोम, ग्रीस सब। सिर्फ एक कोयला जो है यह पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस, ये सब पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से के समूहों में से किसी एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? इसका आंसर एक होगा कर्नाटक, केरल और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 64, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के उत्तर में झारखंड स्थित है। थोड़ा मैं एक पिक सही से नहीं ले पाई थी तो लास्ट में चला गया है, तो उसको मैं देख लेती हूँ। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा, उतना क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन एक, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है, ये भी बनाने वाला, सॉल्व करने वाला है, क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसका आंसर दो होगा। एकदम 100% मैं सही बता रही हूँ गारंटी के साथ। 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डाउट था तो इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट है, 68 नंबर, नीचे दिए गए शहर में से किसी एक में रेत के पहाड़, जिसे रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। ये अबू धाबी में पाया जाता है, हम लोग पढ़े थे इसको। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका ऑप्शन चार आंसर होगा, ए, बी और डी, आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? इसका आंसर ऑप्शन दो होगा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा एक और दो के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? इसका आंसर ऑप्शन दो है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। 72, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? इसका आंसर ऑप्शन तीन है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। 73, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के छह मुख्य थीमों में से एक नहीं है? इसका आंसर होगा काम और खेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन से संबंध में सच नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन चार है, पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। 75 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन के ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? इसका आंसर ऑप्शन एक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, किससे? कहानियां, ऑप्शन एक इसका आंसर होगा। 77, पर्यावरण अध्ययन के में बच्चों के पाठ्य पुस्तक और शिक्षा के अलावा अन्य स्रोतों की मदद होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? इसका आंसर ऑप्शन तीन है, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 78, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन चार, ए, बी और सी। 79, एक शिक्षक खाना किस प्रकार खराब होता है पर एक प्रयोग करता है, शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उसके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? इसका आंसर होगा 79 का ऑप्शन तीन,
ए और सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा, याद करना। क्वेश्चन नंबर 81, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, सीखने का आकलन। एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं आया है, मैंने बहुत सारा नोट्स अपलोड किया था IBS का। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। 84, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एवं एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? इसका आंसर 84 का आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर को छोड़िए, क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, जम्मू और कश्मीर, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 86, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, मिला लीजिएगा आप लोग अपने सेट से, क्वेश्चन इधर उधर रहता है लेकिन क्वेश्चन सब में सेम ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 87, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो यह केरल का है, ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, आमतौर पर माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर रंग को काली और सफ़ेद ही देख पाते हैं। 89 का आंसर, केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। इसका आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले कांसे की चीज़ बनाते थे, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है, कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सब सही कथन चुनिए। इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। सारा क्वेश्चन रिपीट किया है, पहले भी ये क्वेश्चन सब सीटेट एग्जाम में आ चुका है, तो अगर आप लोग लाइव क्लास में थे तो वो पक्का आप लोगों का सही हुआ होगा। और भी जो पेपर बच गया है, जो सब्जेक्ट बच गया है, उसका आंसर की मैं एक एक करके अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।